नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बीएनबी के 35 का स्टॉक हो चुका है और बैंकिंग सेक्टर के हालात थोड़े से खराब है। रीजन वही है आपके सामने, पर बात करेंगे इसमें थोड़ी सी और डीप में। मार्केट में देखो रिकवरी पैटर्न बना है लगातार, तीसरे दिन फ्राइडे हो गया आपका, फिर मंडे हो गया और ट्यूजडे को भी अच्छे रिकवरी यहाँ पर हुई है। और अगर आप देखो तो अमेरिकी बाजार के अपोजिट में हुई है, नैसडेक जहां पर 1% डाउनवर्ड गया है आपका मंडे को, वहीं पर आपका जो बाजार है इंडियन मार्केट काफी ठीक ठाक रिकवरी कर रहा है। पर प्रॉब्लम है बैंकिंग सेक्टर की। कल भी बैंकिंग सेक्टर में यानी निफ्टी बैंक में अगर आपने देखा हो 0.8% के आसपास ही गिरावट थी, आज भी 0.6% आपका निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट हुई है। अभी प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? मार्केट तो रिकवर कर रहा है, तो क्या बैंकिंग सेक्टर में पैसा नहीं लगाना है? पीएनबी जैसे स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है क्या? अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ स्टॉक तो क्या निकल जाएं, या फिर फ्रेश बाइंग करना कैसा रहेगा? टारगेट क्या लेकर के चलें और टाइम फ्रेम क्या रहेगा, कब तक आपका टारगेट अचीव होने वाला है, बात करेंगे इस बारे में। चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जैसे पीएनबी की बात रही तो उससे पहले मार्केट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर आप देखो तो मैं डेली चार्ट सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मार्केट ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बट बहुत ठीक ठाक मार्केट यहाँ पर चल रहा है। एक साइडवेज का बाजार बना हुआ है मैं बोलूंगा। यहाँ पे जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी वो भी अभी तक रिकवर नहीं हो पाई है, तो जितनी रिकवरी यहाँ पर चाहिए वो भी आ नहीं पा रही किसी वजह से। बट लेट्स सी, अगर मार्केट रिकवरी पर भी है, मार्केट साइडवेज का भी है, आई वुड से कम गिरावट से तो बहुत अच्छा है ना, और वो होना भी चाहिए। खरीदारी यहाँ पर ठीक ठाक हो रही है, FII के फ्रंट से तो नहीं, पर हाँ DII के फ्रंट से काफी बढ़िया खरीदारी आ रही है एंड दे आर क्रॉसिंग FII's डेटा ऑल्सो। अगर आप देखो तो FII ने 4,000 करोड़ के आसपास का माल डंप किया मार्केट में कल के दिन में, वहीं पर 4,150 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर DII ने उठाया है। तो कहीं ना कहीं बाजार में DII समय खरीदारी करने के मूड में है और लगातार अगर आप देख लो पिछले 2 हफ्ते का डेटा, DII लगातार FII को सरपास कर रहे हैं। अब यही चाहिए हमें कि मार्केट में DII की जो खरीदारी हो कम से कम मोर देन FII हो, तो मार्केट आपका स्टेबल बना रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब वो चाहिए आपको। 16 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो वो बड़ा पैनिक क्रिएट कर सकता था एंड DII वही नहीं चाहते, तो शायद यही कारण है कि मार्केट अभी भी आप देखोगे तो 16 के ऊपर बना हुआ है, एटलीस्ट 17 के करीब आ रहा है, 16,800 के करीब यहाँ पर पहुंच चुका है बाजार आपका, और वो चाहिए हमें इस समय पे, ठीक है। तो खरीदारी करने वाला मार्केट तो मैं बोलूंगा कि नहीं है इस समय, क्योंकि जो टेंशन चल रही है वो काफी प्रॉब्लमेटिक है। बट अगर आपके हाथ में अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर आप अच्छे स्टॉक्स को बाय करना चाहते हो और रखना चाहते हो थोड़ा लंबे समय के लिए, शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए, यानी 3 से 6 महीने 8 महीने के लिए, तो ये एक बेस्ट मौका है आपके सामने। मार्केट में इस समय प्रेशर है, बट मार्केट की जो चीजें हैं वो डाउन ट्रेंडिंग है। एक तो होता है कि प्रेशर ऐसे जा रहा है ऊपर आपका, ये जो प्रेशर है आपका वो ऐसे है, प्रेशर तो है बट वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, इसीलिए बोलूंगा खरीदारी करने का सबसे बेहतरीन मौका आपके सामने बना हुआ है। जो भी टेंशन थी, लेट्स से कि रशिया और यूक्रेन की टेंशन थी, बेलारूस में लोग बातचीत कर रहे हैं, उस तो निकल के आएगा, अदरवाइज यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेगा यूक्रेन आपका, उन्होंने अपने आप को बोल दिया है। और अगर ऐसा नहीं होता है उसके बावजूद भी आप देखो कि यूरोप ने सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया, अमेरिका ने सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया रशियन फैमिलीज पर, रशियन इंडस्ट्रीज पर, रशियन बैंक्स पर, और ये काफी काम करेगा। नाटो हो गया या फिर यूएनओ हो गया, ये लोग भी अपने रोल प्ले कर रहे हैं, हालांकि इनकी बात कोई सुन नहीं रहा है, बट स्टिल जितनी बात यूएसए और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन की सुनी जाएगी उतनी इन लोगों की नहीं सुनी जाएगी, बट स्टिल यहाँ पर कुछ तो हो रहा है एंड रशिया उससे परेशान है, और यही कारण है कि मैं बोलूंगा। और हाँ, यूक्रेन भी सरेंडर करने को राजी नहीं है, तो अगर रशिया जीतता है उसके बावजूद भी वो बुरी तरह से हारेगा, और यही कहना है मार्केट में इस समय ग्लोबल एंटिटीज का, बिल्कुल आप बने रहो बाजार में। अगर आपने खरीदारी कर रखी, जैसा मैंने बोला स्ट्रेस है मार्केट में, बट वो डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रेस है, बहुत जल्दी खत्म होगा और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मार्केट एक बहुत तगड़ी रिकवरी में भी आएगा। खरीदारी करनी है बिल्कुल करो। पीएनबी की जहां तक बात रही, मैं आपको डेली पैटर्न दिखा देता हूँ। देखो जब गिरावट हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी बाजार में, 5% 8% मार्केट आपका जब नीचे गया था, उस टाइम एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो रहे थे आपके वो ओवरसोल्ड जोन में गए थे। अब 2 दिनों की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको, यहाँ पे 2 दिनों की रिकवरी आई है, मैं मना नहीं करूंगा इस बात से, बट स्टिल अभी भी अगर आप देखो तो वो रिकवरी बहुत शॉर्ट है, और बाजार में जितनी रिकवरी आई है उसका आधा भी रिकवर नहीं हो रहा है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर अभी भी बहुत प्रेशर में है, और शायद यही कारण है कि इस समय, और रीजन क्या है बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर का, इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन होता है फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, गवर्नमेंट बैंक्स आर ऑन द फ्रंट, और अगर ये फ्रंट पर है इनको डील करना पड़ेगा, चाहे वो इंक्रीजिंग मनी सप्लाई हो, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट हो, चाहे वो बाकी चीजें रही हो, तो वो कारण है कि यहाँ पे पीएनबी जैसे स्टॉक या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक हो गए या फिर सरकारी बैंक से प्राइवेट बैंक हो गए, उनमें थोड़ा सा लैग कर रहा है, या तो वो रिकवर नहीं हुए हैं पूरी तरह से, या फिर रिकवर हुए हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम रेशियो में, बहुत कम परसेंटेज में। तो अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, बिल्कुल खरीदारी करोगे चलो, क्योंकि स्टॉक के तौर पे आप देखो या फिर कंपनी के तौर पे देखो, पीएनबी के पास एक लंबा एक्सपीरियंस है और कंपनी ने आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया है, इस समय लैग कर रही है, बट दैट डिजर्न मीन कि आप इसको अवॉइड करना स्टार्ट।
इस समय 30 रुपीज के आसपास का आप एक सपोर्ट लेवल बनता है। देखो मार्केट में प्रॉब्लम्स है, 32 रुपए के आसपास इस समय रख के चलो अपना सपोर्ट लेवल, बट अभी 30 रुपए के आसपास का सपोर्ट लेवल आपको मिल जाएगा। अपर साइड पर 40 रुपए 45 रुपए के आसपास का पहला रेजिस्टेंस जोन बनता है, और जहां तक टारगेट की बात हुई 48 to 56 रुपीज के टारगेट आपको मिल जाएगा इसमें। बहरहाल मार्केट को थोड़ा संतुलित होना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होना पड़ेगा। वंस मार्केट स्टेबलाइजेज, वहां से आपका बाजार जो है वहां से पीएनबी जो है वो भी रिकवर करना स्टार्ट करेगा। और मैं बोलूंगा कि स्मॉल क्वांटिटी में बाय करो, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक अच्छा स्टॉक चाह रहे हो, डिस्काउंट प्राइस का स्टॉक चाह रहे हो, क्योंकि पीएनबी का जो बुक वैल्यू है दैट इज अराउंड 84 रुपीज, तो वो अगर आपको चाहिए कि ठीक है डिस्काउंट वाला वो स्टॉक मिल जाए तो यहाँ पर आपको पैसा बनेगा। लोअर एंड पे आप देखोगे तो आरएसआई पर ठीक ठाक पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहा था, 9 पॉइंट्स का न्यूट्रल है आपका, मैग्डी भी आपका काफी न्यूट्रल हो चुका है। खरीदारी करते हो स्मॉल क्वांटिटी में जाना, अग्रेसिव नहीं जाना है। जहां तक खबरों की बात हुई, आप खबरें देख लो आप एक बार, पहली खबर रशिया यूक्रेन की ही है, रशिया यूक्रेन वॉर लाइव रॉकेट्स किल 70 यूक्रेनियन सोल्जर्स, 70 यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे गए हैं अभी आज की ही बात है दोपहर में, और अभी 30 मिनट्स अगो। अभी आप देखोगे तो बाजार में कुछ ना कुछ चीजें जो है वो बदली हैं रिसेंटली, और वो है कि बातचीत के बावजूद भी रशिया रुक नहीं रहा है और यूक्रेन भी रिटेलिएट कर रहा है। यूक्रेन में जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो जेल में प्रिजनर्स थे, उन लोगों को भी निकाल दिया है टू फाइट फॉर द कंट्री। अच्छी चीज है, मुझे लगता है कि कम से कम यूक्रेन में ये भावना तो है, एटलीस्ट नेशनलिस्टिक जो थॉट्स है, नेशनलिस्टिक फीलिंग जो है वो तो है उनके अंदर, और मुझे लगता है कि अगर वो लोग फाइट कर रहे हैं और वर्ल्ड देख रहा है इस बात को, तो वर्ल्ड एक चीज नोटिस कर रहा है यहाँ पे कि हु इज ऑन द गुड साइड एंड हु इज ऑन द बैड साइड, तो वो चीजें आपके आने वाले दिनों में भी बदलेंगी। डजंट मैटर कि रशिया यूक्रेन जीता है या नहीं जीता है, बट वो एक एग्जांपल सेट करके जाएगा। अभी के लिए यूक्रेन ने ईयू ज्वाइन करने के लिए बोला है, अगर वो फैसला पूरा हो जाता है तो पूरी पिक्चर बदल सकती है यहाँ से, तो वो एक अच्छी चीज होने वाली है। दूसरी बड़ी चीज क्या हो रही है इस समय, बड़ी चीज ये है कि इन्फ्लेशन और तेल दोनों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बर्कशायर हैथवे ने बोला है कि $115 के आसपास का आपका तेलों का दाम पहुंच सकता है, जो कि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि तेलों का दाम इतना बढ़ना काफी कुछ चेंज करेगा, ना सिर्फ आपके इन्फ्लेशन के लिए बल्कि फिजिकल डेफिसिट के लिए भी और फॉरेक्स के लिए भी हमारा जो चीजें हैं वो बदलेंगे। और शायद यही कारण है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत दबाव में ट्रेड कर रहे हैं इस समय पे। दोनों बड़ी खबरें हैं, तीनों ही बोलूंगा मैं, इन्फ्लेशन को भी आप लेके चलो, इन्फ्लेशन हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया, या फिर आपका फॉरेक्स रिजर्व हो गया, तीनों ही चीजें परेशान करने वाली हैं आने वाले दिनों में। थोड़ा सा बने रहो, बचे रहो अभी स्टॉक मार्केट में, निकलने की मेरी सलाह नहीं रहेगी आपको। हालांकि बाजार रिकवर कर रहा है तो बहुत जल्दी पीएनबी में भी आपको अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल जाएगा, बट रुको अभी, वेट करो। खरीदारी करनी है बिल्कुल, गो अहेड बाय द स्टॉक और रखो स्टॉक को, डिफेंड करो अपनी पोजीशंस को। जहां तक फंडामेंटल्स की बात है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है आपका, और अगर आप एवरेज टारगेट भी देखते हो तो एवरेज ब्रोकर टारगेट 47 रुपीज का, यानी 34-35% के आसपास का अपसाइड यहाँ पर है। 3 महीने का होता है एवरेज ब्रोकर टारगेट, और एवरेज ब्रोकर टारगेट का मतलब होता है कि कुछ टारगेट आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने दिया है, कुछ टारगेट आपके ग्लोबल ने दिया है। सेंट्रम ब्रोकिंग का एक बड़ा टारगेट 50 रुपए 58 रुपए के आसपास का था, तो सारा टारगेट का एवरेज यहाँ पर 24% के आसपास का अपसाइड अभी भी है आपका। और अगर जहां तक रही फंडामेंटल्स की बात, देखो 5% के आसपास का नेट एनपीए है इनका, एनपीए और आरबीआई गाइडलाइंस के नीचे ही है अभी भी, और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है 1130 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, और लगातार अगर आप देखोगे तो ग्रोथ पैटर्न में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि निकलने की कोई वजह नहीं है, खरीदारी करने की कई वजह हैं, बिल्कुल खरीदारी करके चलो। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स का है, आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के भी ना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट, अगर पूछना हो तो थैंक।